स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल पर। मैं आज आपको बताने जा रही हूँ प्याज के हरे पत्ते की सब्जी। और इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पे जो जो सामग्री लगेगी वो ले रखी है। यहाँ पे मैंने 2 से 3 हरी मिर्ची बारीक चॉप कर ली है, और जो अनियन लीफ के नीचे जो जड़ होती है वो वाली हमने यहाँ पे प्याज 4 से 5 प्याज काट ली है बारीक। यहाँ पे हमने एक मीडियम साइज टमाटो काटा है, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर, जीरा, हल्दी, और ये यहाँ पे मैंने हींग, और यहाँ पे मैंने लहसुन लिया है 2 से 3 पीस, और नमक लिया है हम स्वाद के अनुसार। यहाँ पे मैंने 2 से 3 मीडियम साइज आलू को चॉप कर लिया है, मैंने इस प्रकार के धो के काट चॉप करके धो के रख लिया है। और यहाँ पे मैंने ये अनियन लीफ यानी कि हरे प्याज की जो पत्ती है उसको मैंने बारीक चॉप करके यहाँ पे इसको धो के रख लिया है। इसका मैंने पानी बिल्कुल निचोड़ दिया है। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल गर्म होने रख दिया है, और इसमें हम सबसे पहले जीरा डालेंगे। हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें 1 पिंच हींग डाल देंगे। हमारी हींग भी हो गई है, तो अब हम इसमें लहसुन डालेंगे। और इसके बाद हम इसमें हरी मिर्ची डाल देंगे। इसको 1 से 2 मिनट चलाएंगे। हमारी हरी मिर्ची हो चुकी है, अब हम इसमें ये अपनी प्याज डाल देंगे। प्याज को हम लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे तेल के अंदर भूनेंगे। ये हमारी प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन सेक चुकी है, अब हम इसमें आलू डालेंगे और इनको अच्छे से इस ऑयल में 1 से 2 मिनट के लिए चलाते रहेंगे। अब हम इसमें ये धनिया पाउडर डालेंगे। धनिया पाउडर हम यहाँ पे 1 टीस्पून डालेंगे, हल्दी पाउडर 1/2 टीस्पून, और लाल मिर्च पाउडर हम यहाँ स्वाद के अनुसार ले रहे हैं। अगर आप ज्यादा तीखा खाते हैं तो आप ज्यादा भी डाल सकते हैं। और साथ ही हम इसमें डालेंगे नमक, नमक भी हम स्वाद के अनुसार डाल रहे हैं, और इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। मसाले को हम अच्छे से अपना चला लेंगे। इसके बाद हम इसमें अपनी ये जो हमने हरी प्याज की पत्तियां हैं उनको बारीक काट के चॉप लिया है, इसको हम इसमें मिक्स करके 2 से 3 मिनट तक ढक के पकाएंगे। ये हमारी सब्जी बिल्कुल अच्छे से पक चुकी है, हमने इसके आलू को मिसल के देख लिया, तो ये तैयार है। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे और इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे। और जब हम इसको पकाते हैं तो हमें बीच बीच में इसको चेक करते रहना चाहिए कि ये लग ना जाए, उसको हमेशा लो फ्लेम पे ही पकाना है। अब इसको हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। ये हमारी प्याज की सब्जी बिल्कुल तैयार है, हरी प्याज की। इसे गर्मा गर्म पराठे पूड़ी के साथ सर्व करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।